ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पोको M6 प्लस वर्सेज ओप्पो K12X 5G के बीच डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ। पोको M6 प्लस का प्राइस है 13,500 और वहीं पे ओप्पो K12X 5G का प्राइस है 13,000। आगे वीडियो में बताऊंगा आपके लिए कौन सा फोन बेटर होगा, तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। तो अभिराज टेक के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले से। दोस्तों शॉर्टकट में मैं पोको और ओप्पो नाम लूंगा, पूरा नाम लेने में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग जरूर समझ जाना, मैं ऊपर नाम भी लिख दूंगा। पोको में 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है और वहीं पे ओप्पो में 6.67 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है। दोनों ही फोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा और हाँ, दोनों में ही 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। पीक ब्राइटनेस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पोको में 550 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है और वहीं पे ओप्पो में आपको 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो पोको का डिस्प्ले ओप्पो के डिस्प्ले से काफी ज्यादा बेटर है। डिस्प्ले के मामले में पोको क्लियरली विनर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। पोको में 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है। और वहीं पे ओप्पो की बात करें तो 32 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सपोर्ट इसमें भी देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा इसमें भी देखने को मिल जाता है और दोनों फोन में 1080p 30fps हाईएस्ट वीडियो शूट कर पाओगे। ओवरऑल कैमरा की बात करें तो यहाँ भी क्लियरली पोको विनर है, क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है वो सैमसंग के HMD सेंसर के साथ आता है, जो कि डेफिनेटली 32 मेगापिक्सल से बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पोको में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और ओप्पो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट दिया गया है। दोनों चिपसेट का एंटूटू स्कोर अप्रॉक्स सेम ही आता है, दोनों चिपसेट में माइनर डिफरेंस है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फोन अच्छे हैं। बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पोको में 5030mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। वहीं पे ओप्पो में 5100mAh की बैटरी दी गई है जो कि 45W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। दोनों में टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाएगा और हाँ, दोनों ही फोन में चार्जर बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली ओप्पो विनर है। दोनों फोन के अदर फीचर की बात करूँ, दोनों ही फोन में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाएगा। पोको Xiaomi HyperOS पे रन करेगा और वहीं पे ओप्पो ColorOS पे रन करेगा। दोनों ही फोन में आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिलता है और दोनों ही फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और दोनों में ही फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा। 3.5mm जैक का भी सपोर्ट दोनों में ही मिलेगा और दोनों में ही हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया जाएगा। एक चीज में दोनों ही फोन में काफी बड़ा डिफरेंस है, वो है प्रोटेक्शन। पोको में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, वहीं पे आपको ओप्पो में MIL-STD 10H का सर्टिफिकेट के साथ आता है, यानी प्रोटेक्शन के मामले में ये फोन पोको से काफी ज्यादा आगे है और ये फोन नॉर्मल ऊपर वाले पॉकेट से गिर भी जाता है तो टूटेगा ही नहीं। इन दोनों फोन के जितने भी मेन हाईलाइट स्पेसिफिकेशन थे सारे मैंने बता दिए हैं। तो ओवरऑल फोन की बात करें कौन सा फोन लेना चाहिए, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो मैं इन दोनों फोन में पोको M6 प्लस को पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों आप ही खुद देखो, दोनों ही फोन का प्रोसेसर लगभग सेम ही है लेकिन यहाँ पे पोको का कैमरा और डिस्प्ले ओप्पो से काफी ज्यादा बेटर है, तो मैं पोको के तरफ ही जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप किन दो फोन के बीच कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, जल्द ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।